आज नवरात्रि का पांचवा दिन है। नवरात्रि के पांचवे दिन आदिशक्ति माँ दुर्गा की स्कंद माता के रूप में पूजा की जाती है। मान्यता है कि स्कंद माता की पूजा करने से मंद बुद्धि भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद माता स्कंद कुमार यानी स्वामी कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से कहा जाता है। स्कंद माता की गोद में उनके पुत्र संकद शोभामायान है। स्कंद माता को माँ दुर्गा का ममतामयी रूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्र में माँ के इस रूप की पूजा करने से माँ संतान सुख का आशीर्वाद भी देती है। इन्हें पद्मासिनी देवी भी कहते हैं। इस दिन स्कंद माता की पूजा करने से जीवन में सुख और शांति आती है। स्कंद माता मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार स्कंद माता को पहाड़ों पर रहकर दुनिया के जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली देवी कहा जाता है। जो भी सच्चे मन से माँ की पूजा और आराधना करता है तो माँ उसे प्रसन्न होकर मनवांछित फल देती है। संतान प्राप्ति के लिए भी माता की आराधना करना लाभकारी माना गया है। स्कंद माता का स्वरूप हर व्यक्ति के मन को मोह लेता है। माँ के चार भुजा हैं जिसमें दो हाथों में कमल लिए हैं, एक हाथ में कार्तिकेय बाल रूप में बैठे हैं और वह हाथ में तीर लिए हुए नजर आ रहे हैं और देवी माँ चौथे हाथ से आशीर्वाद देते हुए नजर आ रही हैं। माँ कमल में विराजमान है और इसके साथ ही माँ स्कंद माता का वाहन सिंह है।